व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन एकेडमी प्रोडक्शन के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं होबार्ट हरिकेन वर्सेस पर्स कॉचर्स के बिग बैलिश के T20 मैच के बारे में। गाइस, अगर हम बात करें दोनों टीमों के बारे में, तो गाइस दोनों टीमें अपना लास्ट मैच जीत के आ रही। गाइस, दोनों टीमें मेन ट्रैक पर चल रही है, तो गाइस देखना पड़ेगा कौन सी टीम पे ज़्यादा भारी पड़ती है, कौन सी टीम के ऊपर हल्का पड़ती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो मैच के ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लेयर प्रेडिक्शन करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे दो काम कर दीजिए। एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना याद से, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना। गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, अगर हम दोनों टीमों के ऊपर अगर प्लेइंग इलेवन के ऊपर डाल लेते हैं, तो दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पॉसिबल इलेवन के एप्लीकेशन पर गाइस, टिटास दी चौर, मैथ्यू वेट, कैलेब जोएल, पीटर हैंडसकॉम, टिम डेविड, जॉर्डन थॉम्सन, गाइस अपने प्लेइंग इलेवन चेक कर सकते हैं। हरिकेन्स की, स्कॉचर्स की रहने वाली कॉलिन मनरो, बेन क्रॉफ, पैटरसन, इवांस, टर्नर, हार्डी। तो गाइस काफ़ी देखा जाए तो गाइस काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन है। गाइस हरिकेन के यहाँ पे शॉर्ट हो गए, वेट हो गए, पीटर हैंडसकॉम हो गए। अगर मैं बात कर लें बॉब बैटिंग में, यहाँ पे स्कॉचर्स की तरफ से मनरो, बेन क्रॉफ एंड पैटरसन हो गए। तो गाइस काफ़ी अच्छी, दोनों टीमों के पास काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं इस टीम में। अगर हम बात कर लेते हैं इनके लास्ट मैच के बारे में, होबार्ट हरिकेन्स की गाइस विक 213 रन बनाए थे गाइस, जिसमें उन्होंने 44 रन की सिक्योर विक्ट्री ली थी। गाइस काफ़ी बड़ा टारगेट गाइस लास्ट मैच में अपोनेंट टीम को दिया था गाइस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गाइस अगर हम इनकी नज़र से देखें, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा था लास्ट के मैच में। टॉप ऑर्डर बैट्समैन रहने वाले अगर आरसी शॉर्ट एंड मैथ्यू वेट, मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे आएंगे गाइस आपको कैलेब जोएल, उनका साथ निभाते हुए पीटर हैंडसकॉम, टिम डेविड आपको दिखाई दे जाएंगे। वहीं बात कर ले बॉलिंग में, बॉलिंग में फिर आरसी शॉर्ट एंड संदीप लमिछाने आपको स्पिन बॉलिंग में दिखाई दे देंगे, पेस बॉलिंग में यहाँ पे जोई पेरिस एंड टिम रॉजर आपको दिखाई दे जाएंगे। वही बात कर लेते गाइस अगर हम पर्स कॉचर्स के बारे में, पर्स कॉचर भी गाइस अपने दो मैचों में दो मैच जीत चुके हैं। गाइस काफ़ी लास्ट मैच पे इन्होंने गाइस 44 रन की इन्होंने फिक्सर के साथ विक्ट्री हासिल की थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। गाइस काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया था लास्ट के मैच में, गाइस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही थी। वहीं बात करते हैं अगर हम एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के बारे में बात कर लेते हैं, टॉप ऑर्डर में यहाँ पर रहने वाले कॉलिन मनरो एंड उनके साथ निभाने आएंगे कैमरन बैनक्रॉफ्ट। गाइस मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे आएंगे गाइस, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर थर्ड पर बैटिंग करने वाले बैट्समैन गाइस वो रहने वाले अपने कुर्तिस पैटरसन। गाइस काफ़ी अच्छी बैट्समैन है गाइस, जिनको जरूर टीम में कल के मैच में उसको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं, उनका साथ निभाने आएंगे। और लॉरी इवांस एंड एस्टन टर्नर बॉलिंग में देख लें, बॉलिंग में मैथ्यू कैली एंड एंड्रू ट्रे आपको पेस बॉलिंग में दिखाई दे जाएंगे, पेस पिन स्पिन बॉलिंग में गाइस आपको यहाँ पे एस्टन नेगर एंड पीटर हेडजो ग्लो आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर हम बात कर लें यहाँ पे गाइस फैंटेसी टिप्स के बारे में, तो गाइस बैटर्स के लिए काफ़ी अच्छी पिचर रहने वाली है, आपको हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है। गाइस की प्लेयर रहने वाले हैं डार्क किशोर, मैथ्यू वेट, कैलेब जोएल, पीटर हैंडसकॉम, नेथन एलियस, टिम रॉजर्स, संदीप लमिछाने, कोचर की तरफ से कॉलिन मनरो, बैनक्रॉफ्ट, पैटरसन, एंड्रू टाय, मैथ्यू कैली, वैंडॉर्फ। वही बात कर लेगा यहाँ पे पिच रिपोर्ट के, गए तो कई वही बैटिंग है, डिसेंट पिच है गाइस, काफ़ी अच्छी आपको बैटिंग पे सपोर्ट करने को दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छे अच्छी बैट पे आएगी बॉल, गई तो मज़ा आएगा बैटिंग देखने में, हाई स्कोरिंग मैचेस होने के पूरे पूरे ज़्यादा चांसेस हैं। तो गाइस चलते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। गाइस वहीं पर बात कर लेते हैं अगर विकेट कीपर सेक्शन में, विकेट कीपर सेक्शन में गाइस मैथ्यू वेट अपनी बहुत इंटरेस्टिंग पिक रहेंगे इन गाइस, उनके साथ निभाने गाइस विकेट कीपर में हम सेकंड विकेट कीपर लेंगे स्कॉचर्स के गाइस, जो अगर रहने वाले अपने बैनक्रॉफ्ट। अगर हम बात कर लें यहाँ पे बैटिंग में यहाँ पे गाइस कॉलिन मनरो हो गए, पैटरसन हो गए, गाइस थर्ड बैट्समैन गाइस यहाँ पे पीटर हैंडसकॉम ले सकते हैं, लेसी लॉरी वांस भी ले सकते हैं, बट गाइस यहाँ से मैं अपने कैलेब जोएल के साथ जाना, कैलेब जोएल ने गाइस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दिखाई थी लास्ट के दोनों मैचों में, काफ़ी अच्छी इनको ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही थी। ऑलराउंडर में देख ले, ऑलराउंडर में यहाँ पे गए आरसी शॉर्ट हो गए, अपने मेन प्लेयर हो गए गाइस आरसी शॉर्ट, एंड गाइस अगर हम बॉलिंग में देख ले, बॉलिंग में यहाँ पे गए एंड्रू टाय हो गए, हम कैली को लेंगे, बैनक्रॉफ्ट को लेंगे, पेरिस को लेंगे, इन गाइस अपने लास्ट प्लेयर गाइस बचते हैं गाइस अपने यहाँ पे नेथन एलियस को ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट मैच में बोला था गाइस कॉलिन मनरो आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे काफ़ी अच्छा गाइस, हमने आ रहे कैप्टन वाइस कैप्टन भी थे गाइस, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर दी गाइस। मैं आपको फिलहाल गाइस यहाँ पे मैं फिलहाल एक बार फिर हम कॉलिन मनरो को वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं, कैप्टन हमारे रहेंगे डार्सी शॉर्ट। गाइस ये मेरी फिलहाल के लिए फाइनल टीम बनाने वाले गाइस, होप सो गाइस आपको टीम अच्छी लगी हुई वीडियो को जरूर लाइक करना गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, कमेंट करके बताना बहुत क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। गाइस फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, टॉस होने के बाद होगा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो तक की थी गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।